हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जो अभी आप ये इंटरफेस देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया हो कि मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यानी कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे, जो भी स्टूडेंट्स परेशान है थोड़े बहुत एडमिट कार्ड को लेकर, कि एडमिट कार्ड कैसे हम लोग डाउनलोड करें नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, आपको लॉगिन सीधा करना है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ नीचे में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एडमिट कार्ड 30 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2023 ऑनवर्ड्स, यानी कि आज ही से डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा, आपको क्या करना है, सीधा लॉगिन करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा होगा लॉगिन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना जो भी आईडी है और पासवर्ड है उसको यहाँ पे भर देना है। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको साइन इन क्लिक करना है, अगर पहले से लॉगिन है तो। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग और उसके बाद इसको फिल करते हैं। लॉगिन आईडी भरने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं एक स्टूडेंट्स है, तो लॉगिन आईडी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद, हमने एक स्टूडेंट से बोला था कि आप अगर चाहते हैं कि आपका हम लोग देख पाएँ तो चलिए, यहाँ से उन्होंने मदद किया। तो उनका नाम है विपुल कुमार। तो अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, एडमिट कार्ड देखते हैं, सीधा सीधा देखिए लिखा है माई एप्लीकेशन, अगर देखना चाहते हैं, प्रीव्यू फॉर्म देखना चाहते हैं कैसा, और एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, अब नया चीज़ ये कि ये क्या है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड पे यहाँ पे एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे। अब सीधे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे कि दिख पा रहा है आपको कि इनका एप्लीकेशन आईडी ये जो दिया है BEd, रोल नंबर, और इनका सिटी भी दे रखा है, ठीक है, और सेंटर नेम भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, मुजफ्फरपुर का। तो यहाँ पे अब ये क्या है कि ये एक पूरा डाउनलोड एडमिट कार्ड का प्रक्रिया है, कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अब आप व्यू डाउनलोड में जाएंगे। जैसे ही आप व्यू डाउनलोड में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको इस तरीके खुलेगा और आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डाउनलोड कैसे करेंगे, सब कुछ दिख रहा है, अपना नाम वगैरह सब कुछ देख लेंगे, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, और भी कुछ चीज़ें आपको जानकारी देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जानकारी आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर अभी स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए आप देख पा रहे हैं कि एक प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिंट का, तो आप इस पर क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे गए और इसको आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब डाउनलोड आपका सेव हो जाएगा, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं इसको सेव कर लीजिए, और ये सेव हो गया। ठीक है, अब सेव हो गया, अब आपको क्या करना है यहाँ से कि इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप सभी को बताना है। तो इसमें ज़रूरी बातें क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या है कि आप सभी ये चीज़ ध्यान रखिए कि एडमिट कार्ड आपको 2 कॉपी लेकर जाना है एग्ज़ाम हॉल में। कितना, 2 कॉपी लेकर जाएंगे। जिनका एडमिट कार्ड पे फ़ोटो नहीं है, जिनका भी एडमिट कार्ड मान लीजिए डाउनलोड करते हैं, हो सकता है कि उनके फ़ोटो नहीं है वहाँ पे, तो आप एक कलर फ़ोटो यानी कि 2 कलर फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है, और 2 एडमिट कार्ड, और वहाँ पर चिपकाना है, जहाँ पे फोटो नहीं होगा वहाँ पे चिपकाना है। तो 2 आप क्या कर लेंगे, फोटो भी पासपोर्ट साइज आप ले लेंगे, ठीक है, अगर इनका भी फोटो नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों डाउनलोड जो आप लेकर जाएंगे, एक तो जमा हो जाएगा और एक आपको लाकर रखना है, ये नहीं कि उसको एक लाएं बस अपना, उसको रखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा अगर हम बात करें तो वो एडमिशन के समय ये काम देगा, एक एडमिट कार्ड आपका, ठीक है, तो जो जरूर रखिएगा, ये चीज़ें काम देंगी आगे। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और तीसरी बात ये है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको एक कोई भी पहचान पत्र की ज़रूरत होगी, आप चाहे तो आधार कार्ड ले सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो आप वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप डाउनलोड जब करेंगे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, 2 आपको एडमिट कार्ड रखना है, अगर जिनका फ़ोटो नहीं है फ़ोटो लेकर जाएंगे, और आपको क्या करना है, पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, DL, कोई भी आईडी हो वो लेकर जाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच।